हेलो क्लास सिक्स, जीके वर्ल्ड बुक में आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम यानी चैप्टर नंबर 10, साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिम्स ये पढ़ेंगे। क्या है साइंटिफिक नेम? तो देखो, साइंटिफिक नेम जो है वो ऑर्गेनिम्स को दिया जाता है। ऑर्गेनिम्स यानी लिविंग थिंग की बात कर रहा है, उनको दिया जाता है। और साइंटिफिक नेम में जो है वो दो पार्ट होते हैं साइंटिफिक नेम के। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट है वो किसी ऑर्गेनिम्स का जेनरिक नेम या तो ग्रुप मेंशन करता है, दैट मीन्स बताता है हमें। जो फर्स्ट है वो क्या बताता है? ग्रुप नेम या फिर जेनरिक नेम। जो सेकंड है, सेकंड पार्ट जो है साइंटिफिक नेम का, जो सेकंड पार्ट है जो कि स्मॉल लेटर से है, वो हमें बताता है, वो हमें दर्शाता है। क्या दिखाता है? तो वो हमें दिखाता है, वो हमें बताता है नेम ऑफ ऑर्गेनिम्स, यानी उस ऑर्गेनिम्स का नाम क्या है, दैट मीन्स उस ऑर्गेनिम्स का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, पहला पार्ट तो तुमको क्या बताता है? पहला पार्ट तुम्हें ग्रुप बताएगा कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है, और जो दूसरा पार्ट है वो बताएगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिम्स का। तो एवरी नोन स्पीसीज ऑफ लिविंग बींग, कह रहा है जितने भी हम लिविंग स्पीसीज को जानते हैं इस धरती पे, ठीक है, उनको एक स्पेशल नेम दिया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा। क्यों? टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिम्स एज सेपरेट। क्यों दिया जाता है? सबसे बड़ी तो यही जानने की इच्छा ना, क्यों देते हैं हम लोग साइंटिफिक नेम भाई? इसलिए देते हैं ताकि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिम्स को आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके, उसको एक अलग दर्जा दे सके, उसको अलग से क्या बोलते हैं, नाम देख सकें। इसीलिए हम जो है उसको साइंटिफिक नेम देते हैं हर एक ऑर्गेनिम्स, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक ऑर्गेनिम्स को हम लोग जो है साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हम उनको आसानी से पहचान सके जब भी हम इनके बारे में स्टडी करने लगे या स्टडी करना चाहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या करना है। इस चैप्टर में मैच द फॉलोइंग यानी मैच करना है। साइंटिफिक नेम एक साइड दिए हैं और एक साइड जो नॉर्मल हम लोग डेली यूजेस में बोलते हैं वो नाम है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका ये किस का साइंटिफिक नेम है भाई? मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का। मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम। अब नेक्स्ट देखो, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम ये किसका साइंटिफिक नेम है भाई? सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम ट्यूबरोसम ये साइंटिफिक नेम है पोटैटो का। पोटैटो मीन्स आलू जिसको जानते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का नाम है, तो नाम देख रहे हो भाई, भयंकर नाम है भाई, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो। थर्ड देखो, रोजा इंडिका। रोजा इंडिका ये किसका नाम है भाई? ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो रोजा इंडिका जो है वो रोज़ का साइंटिफिक नेम है। रोज़ समझ में भी आ रहा है, रोजा इंडिका रोज़। फोर्थ देखो, एसिनेक्सिस। एसिनेक्सिस जुबेटस। एसिनेक्सिस जुबेटस ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो एसिनेक्सिस जुबेटस ये साइंटिफिक नेम है चीता का, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एनिमल। ठीक है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एसिनेक्सिस जुबेटस। फिफ्थ देखो, फीकस। फीकस रेलिगियोसा। फीकस रेलिगियोसा ये किसका साइंटिफिक नेम है? फीकस रेलिगियोसा। फीकस रेलिगियोसा ये साइंटिफिक नेम है पीपल ट्री का। किसका? पीपल ट्री का। पीपल ट्री का साइंटिफिक नेम फीकस रेलिगियोसा। फीकस रेलिगियोसा ये साइंटिफिक नेम है पीपल का। सिक्स नंबर देखो, एपस। एपस ये, एपस जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है? ए पी आई एस, एपस ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये एपस जो है हनी बी का साइंटिफिक नेम है। हनी बी जान ही रहे हो, सबसे छोटा है भाई। ठीक, हनी बी मतलब सबसे छोटा नहीं, मतलब छोटा ही है। ठीक है, हनी बी, बी छोटा ही है, तो इसलिए क्या है इसका नाम, साइंटिफिक नेम है एपिस, तो एपिस हनी बी। अब देखो, फेलिस कैटस। फेलिस कैटस ये किसका साइंटिफिक नेम है? फेलिस कैटस, तो फेलिस कैटस ये साइंटिफिक नेम है कैट का, बिल्ली। बिल्ली जो देखते हो, जानते हो तुम, तो बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या है? फेलिस कैटस। फेलिस कैटस साइंटिफिक नेम है। एट्थ नंबर देखो, पैंथेरा टिग्रिस। ये तो सिंपल है, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस किसका है? टाइगर का। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, क्लियर। अब देखो नाइन्थ नंबर पे, कैनस लूपस फैमिली राइस। कैनस लूपस फैमिली राइस ये किसका साइंटिफिक नेम है?
तो ये साइंटिफिक नेम है डॉग का। कैट का क्या था? फेलिस कैटस कैट का था। डॉग का क्या है? डॉग का है कैनस लूपस फैमिली राइस। कैनस लूपस फैमिली राइस ये डॉग का साइंटिफिक नेम है डॉग। आगे देखिए 10th नंबर, पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो पैंथेरा पार्डस ये साइंटिफिक नेम है लेपर्ड का। किसका? लेपर्ड का। पैंथेरा पार्डस लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। 11th नंबर देखो, पावोसिस्टेटस ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो पावोसिस्टेटस साइंटिफिक नेम है पीकॉक का, मोर। पावोसिस्टेटस साइंटिफिक नेम किसका है? पीकॉक का साइंटिफिक नेम है पावोसिस्टेटस। 12th नंबर देखो, एलियम एलियम सापा। एलियम सापा ये किसका साइंटिफिक नेम है? एलियम सापा। ठीक है, तो एलियम सापा ये साइंटिफिक नेम है ऑनियन, प्याज का साइंटिफिक नेम है। प्याज का साइंटिफिक नेम एलियम सापा। एलियन मत बोलना, एलियन नहीं है, एलियम। ठीक है, एलियम सापा ये साइंटिफिक नेम है ऑनियन का। ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम ये किसका साइंटिफिक नेम है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये साइंटिफिक नेम है वीट का। वीट गेहूँ जिससे फिर आटा बनता है, जिसको पीस के आटा बनाते हैं और फिर रोटी बनाते हैं। ठीक, तो गेहूँ दैट मीन्स वीट, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एवेस्टियम। ट्रिटिकम एवेस्टियम ये साइंटिफिक नेम है। 14 नंबर पे आते हैं, पैंथेरा लियो। अभी देखो, अभी हमने पढ़ा पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, अब ये है पैंथेरा लियो। देख रहे हो, तो पहला लेटर जो है वो क्या बता रहा है? ग्रुप बता रहा है ना कि ये किस ग्रुप के हैं? पैंथेरा ग्रुप के हैं। तो पैंथेरा लियो ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो पैंथेरा लियो है लॉयन का। लियो लॉयन, पैंथेरा लियो लॉयन का साइंटिफिक नेम। 15 नंबर देखो, मैं निलंबो न्यूसिफेरा। निलंबो न्यूसिफेरा ये किसका साइंटिफिक नेम है? निलंबो न्यूसिफेरा तो ये साइंटिफिक नेम है किसका? लोटस का। लोटस, ठीक है, जो हमारा क्या है, नेशनल फ्लावर है लोटस, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा। निलंबो न्यूसिफेरा साइंटिफिक नेम है किसका? लोटस का। तो ये रहा आपका चैप्टर। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से मैच कर लिया चीज़ों को, साइंटिफिक नेम और उनके जो डेली नाम हम लोग जानते हैं उनको मैच कर लिया आपने बहुत अच्छे से। तो इसको भी एक दो बार तीन बार वीडियो सुन के अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। ठीक है, थोड़ा मतलब देख, बार बार सुनने से क्या होता है ना, याद हो जाता है। तो बार बार सुनोगे देखोगे तो ये याद भी हो जाएगा। थोड़ा टफ है मान रहे हैं, मैथ्स की मैथ तो कॉलम के ही तरह आएगा। ठीक है, लेकिन याद रहेगा तभी तो मैच कर पाओगे। तो इसको अच्छे से एक बार लर्न कर लेना। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज़ देखो बता रहा है कि उस साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने शुरुआत की साइंटिफिक नेम की। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम यहाँ बता रहा है, तो वो स्वेडिश बायोलॉजिस्ट थे। स्वेडिश, ठीक है, स्वेडिश बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लिनेनियस। कार्ल लिनेनियस नाम था साइंटिस्ट का, जिन्होंने साइंटिफिक नेम, ये जो सिस्टम है ना साइंटिफिक नेम यानी साइंटिफिक नेम देने की, इसकी शुरुआत की थी। स्वेडिश बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लिनेनियस। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, जय हिंद।